अब आपके शहर सागर में भी सुर्खी के प्रसिद्ध ओरिजिनल बड़ा और मंगोली तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है द्वारका कॉम्प्लेक्स के पीछे, सिविल लाइन सागर। मोबाइल नंबर 9109898811। पंचायत चुनाव में जिन्होंने चुनाव आने की खबरों आचार संहिता लागू होने के बाद पैर पड़ना और पार्टियां देना शुरू कर दी थी, उन प्रत्याशियों को तगड़ा झटका लगने वाला है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के पाले में जिस अंदाज में गेंद फेंकी है उससे लग रहा है कि चुनाव में कोई रोक भले न लगी हो लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेके एक नया पेच फंसा दिख रहा है। जहां महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के अलावा एमपी में ओबीसी आरक्षण को लेके पंचायत चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। एमपी सरकार जब तक ओबीसी को लेके रिव्यू दर्ज कराएगी, अपना पक्ष रखेगी, तब तक 3 से 4 महीने चुनाव बढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कमलनाथ सरकार के आरक्षण के पीछे पड़ी थी और इसी बीच उन्होंने संविधान की मर्यादाओं को छेड़ दिया जो कानून संगत नहीं थे। आरक्षण और परिसीमन में भाजपा सरकार कांग्रेस को श्रेय न मिले इस वजह से कुछ गलतियां कर गई और उन्होंने संविधान की मर्यादाओं को छेड़ दिया। कुछ हद तक कोर्ट ने इन बातों पर जवाब मांगा जब तक तारीखें बढ़ती नहीं, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेके पेच फंस गया। जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जब तक फैसला नहीं होता तब तक आप ओबीसी वर्ग को आरक्षण चुनाव में नहीं दे सकते। इसी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को देश की सबसे बड़ी अदालत ने निर्देश दिए, अगर आरक्षण पर रोक लगती है तो चुनाव प्रक्रिया रोकनी पड़ेगी और जाहिर सी बात है जब आरक्षण प्रक्रिया रुकेगी तो चुनाव टल सकते हैं। सीधी सीधी बात है, संवैधानिक कानून के साथ कुछ छेड़खानी हुई है। निर्वाचन आयोग के पास तारीखें बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। कानूनी सलाहकारों की माने तो चुनाव 3 से 4 महीने तक बढ़ सकते हैं। इसीलिए जिन्होंने फॉर्म खरीद लिए हैं या चुनाव में लड़ने के लिए पैसा खर्च कर दिया है या फिर कुछ पार्टियां दे दी हैं या अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, वो अब समझ जाएं क्योंकि चुनाव की तारीखें अब बढ़ सकती हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।